इनेलो ने किसान कर्जा माफी को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। इस समय मेरे साथ हैं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, इनसे जानते हैं कि इनेलो को क्या वजह थी कि वॉकआउट करना पड़ा। हमारी पार्टी के विधायकों की तरफ से हरियाणा प्रदेश में किसान के और छोटे दुकानदार के कर्जे माफी को लेकर एक काम रोको प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू ना करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भी किसान की फसल ना खरीदने की वजह से, फसल बीमा योजना जबरी लागू करने की वजह से किसान आर्थिक तंगी का शिकार हुआ, किसान को भाव नहीं मिला, इस वजह से किसान कर्जे के नीचे दबता चला गया। और 5-6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर किसानों के कर्जे माफ भी किए गए। तो हमने किसान एक विधेयक अपना काम रोको प्रस्ताव के जरिए सरकार से मांग की थी कि सारे काम को रोक के किसान और छोटे दुकानदार के कर्जे माफ हों, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने काम रोको प्रस्ताव SYL को भी लेकर दिया था, परंतु जिस प्रकार से स्पीकर साहब का रवैया रहा, जिस प्रकार से सरकारी बेंच की तरफ से लगातार विधायक उठ उठकर नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह जी को, हमारे विधायकों को टोकते रहे, मैं जानता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना अहम मुद्दा किसानों से जुड़ा, छोटे दुकानदार से जुड़ा, प्रदेश की जीवन रेखा के जुड़े पे भी चर्चा सदन में ना हो, इसको लेकर हमारी पार्टी की तरफ से वॉकआउट किया गया। अरोड़ा साहब, कितने प्रस्ताव इनेलो ने विधानसभा अध्यक्ष को दिए थे? पहली तो बात तो ये थी कि हमारी मांग थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कि उसका समय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हरियाणा प्रदेश में आज जरूरत है। आज बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, प्राइवेट मिलों द्वारा गन्ने का ना तो पूरा भाव दिया जा रहा बल्कि उससे जो पहले पेमेंट है उसको भी रोका गया, उसके ऊपर हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जो प्राइवेट कंपनियां हैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं की अनदेखी करके बाहर से बच्चों को लगाने का काम करती है। हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार से मांग की गई कि एक कानून बनाकर हरियाणा प्रदेश के बच्चों को लगभग 65-70% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, आप उसका एक कानून बनाओ, उसके ऊपर हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। आज स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है, उनको लेके भी हमने इस प्रकार के कई प्रस्ताव हमने दिए, जिस पर चर्चा विधानसभा में ना कराकर सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों की अनदेखी की। अरोड़ा साहब, जिस तरह से आपने कर्जा माफी का मामला सदन में उठाया है, क्या आप सत्ता में जब आते हैं तो कर्जा माफ किया जाएगा छोटे किसानों, बड़े किसानों और छोटे व्यापारियों का? निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने जननायक चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर जो रैली की थी, चौटाला साहब ने घोषणा की है कि इनेलो की बसपा की सरकार बनते ही पहली कलम से किसान के और छोटे दुकानदार पे चढ़ा हुआ सारा कर्जा माफ करने का काम करें। ये थे मेरे साथ इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा। इन्होंने कहा है कि किसान कर्जा माफी को लेकर इनेलो विधायकों ने सदन में आवाज़ उठाई थी, लेकिन सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, इसके चलते सदन से इनेलो ने वॉकआउट कर दिया। वहीं इन्होंने दावा किया है कि अगर इनेलो सत्ता में आती है तो आते ही किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।